हेलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। मेरे किचन में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही हेल्दी, बहुत ही टेस्टी, जो कि वेजिटेबल्स कटलेट। ये कटलेट बनाने में हमको बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होगा, क्योंकि ना ही इसे हमटने का झंझट, ना ही इसे काटने का झंझट। बस वेजिटेबल्स लो, ये कटलेट बन के तैयार हो गया है। तो चलिए कैसे बनाते हैं मैं आपको दिखाती हूँ। तो इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ ले लिया है कुछ वेजिटेबल, जो कि पहले मैंने कुछ फूल गोभी की पंखुड़ियाँ ले लिया है, और उसके बाद यहाँ मैंने लिया है कुछ गाजर, यहाँ लेंगे कुछ बीन्स, और एक प्याज, और ये कैप्सिकम, और यहाँ कॉर्नफ्लोर एक बाउल। तो चलिए ये सामान रेडी हो गया है, उसके बाद हम ले लेते हैं जार। तो ग्राइंडिंग जार ले लिया है, इसमें हम भर लेंगे पहले ये फूल गोभी को। आप फूल गोभी को ऐसे ही पीस ले, या आप टुकड़ा करके भी डाल के पीस सकते हैं। उसके बाद ये गाजर को डाल देंगे, और प्याज को भी डाल देंगे कट करके, उसके बाद इसे पीस लेंगे। ये देखिए पीस के तैयार हो गया है बिल्कुल। इसमें पानी नहीं देंगे, बस उसी वेजिटेबल्स को ही पीस लेंगे, तो अच्छी तरह से पीस भी जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ मैंने ले लिया है कैप्सिकम, जो मैंने उसे कट करके रख दिया है, और ये जो बीन्स था उसे भी मैंने कट कर लिया है, थोड़ा हरी मिर्च, लहसुन, अदरक, बस ये सब हम ले लेंगे, और इसे भी हम अभी जार में भर लेंगे। तो चलिए इस सब को हम जार में भर लेते हैं, बस ये हरी मिर्च रहने देते हैं, और उसके बाद ये जो लहसुन अदरक ये सबको हम कट करके डाल के इसमें पीस लेंगे। तो ये देखिए इसे डाल के भी मैंने यहाँ पीस लिया है। उसके बाद चलिए इसे एक बाउल में हम निकाल लेते हैं। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा के ऑल कर दीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपके पास पहले पहुँचे, और लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिए। तो ये देखिए यहाँ मैंने वेजिटेबल्स को एक बाउल में निकाल के रख दिया है। उसके बाद हम लेंगे कुछ मसाले, जो कि हल्दी पाउडर एक चम्मच, लाल मिर्च पाउडर एक चम्मच, और यहाँ लेंगे स्वाद अनुसार नमक, और उसके बाद यहाँ डाल देंगे ये जो हरी मिर्च हमने कट करके रखे थे उसे, और कुछ मैंने यहाँ धनिया के पत्ते को भी कट करके रखा है तो उसे भी डाल देंगे। उसके बाद ये डाल देंगे ये जो कॉर्नफ्लोर एक बाउल लिए थे उसे डाल के अच्छी तरह से सबको हम पहले मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए ये मैंने इसे मिक्स करके रख दिया है, इसे हम कटलेट की तरह बना लेते हैं। तो ये देखिए आप इस तरह से बना सकते हैं, या गोल गोल, आपको जिस तरह से शेप चाहिए आप उस तरह से बना लीजिए। तो चलिए इसे पहले सबको बना लेते हैं कटलेट। तो ये देखिए कटलेट बनके तैयार हो गया है। उसके बाद कढ़ाई ले लेते हैं, कढ़ाई में कुछ तेल गरम कर लेते हैं, बस थोड़ा सा ही तेल में ये कटलेट बनके तैयार हो जाएगा, तो ज़्यादा तेल भी नहीं लगेगा। तो ये देखिए तेल गरम हो चुका है, तो मैं ये कटलेट को डाल रही हूँ, तो फ्राई कर लेते हैं। तो बस इसे गोल्डन ब्राउन होने तक ही फ्राई करेंगे। तो ये देखिए एक साइड हो चुका है, तो मैं दूसरी साइड पलट रही हूँ। देखिए इसका कलर भी कितने अच्छा आ रहा है, और ये खाने में तो बहुत ही टेस्टी है, ये बच्चों को बहुत ही अच्छा लगेगा। जो बच्चे वेजिटेबल्स नहीं खाते हैं उनके तो बहुत ही अच्छा लगेगा। तो ये देखिए एक साइड हो चुका है, मैं फिर से दूसरा साइड पलट रहा हूँ, ताकि ये थोड़ा कुरकुरा बन जाए। तो अच्छी तरह से उलट पलट कीजिए बिल्कुल गोल्डन ब्राउन होने तक, तो ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा। तो ये देखिए कटलेट बिल्कुल बनके तैयार हो चुका है, बहुत ही स्वादिष्ट दिख रहा है, आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। तो चलिए इसे निकाल लेते हैं। तो ये देखिए वेजिटेबल्स कटलेट बनके तैयार हो चुका है, बहुत ही स्वादिष्ट लग रहा है। आप इसे सॉस के साथ खाए, या टमाटर चटनी के साथ खाए, बहुत ही टेस्टी लगेगा, और इसे आप अगर गर्मा गर्म खाएँगे तो और भी ज़्यादा टेस्टी लगेगा। मैं इसे आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ कितना अच्छा लग रहा है, बहुत ही स्वादिष्ट है खाने में, आप एक बार ज़रूर ट्राई करें, और कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तभी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तभी तक के लिए थैंक यू।